जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, अपना पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं फॉर ईबी सीएसडब्ल्यूटी विच इज की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग सीखते हैं कि कौन कौन से आपके कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्पेसिफिकली हमारे लिए बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप आरबीआई, सेबी, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, इन सारे बॉडीज, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सारे बॉडीज के बारे में सीखते हैं। क्या की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस सिर्फ इतने ही होते होंगे? क्या बाकी के और इंस्टीट्यूशंस की नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है? हैं, बहुत ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम उसमें से इन कुछ चुनिंदा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी ज्यादा रेलेवेंट है। चलिए एक एक करके पढ़ते जाएं सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में। देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए, हाँ, आपको एक बहुत बेसिक सी चीज सिखा रहे हैं, इसको ध्यान से सीखना है, आपके अंडरस्टैंडिंग को बहुत एनहांस कर देगा, इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को एनहांस कर देगा। गवर्नमेंट किस प्रकार से फंक्शन करती है आपको पता है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर में लोकसभा है, लोकसभा के अंदर में मेजॉरिटी वाली जो पार्टीज हैं उसको हम लोग कहते हैं कि उसने गवर्नमेंट फॉर्म किया। गवर्नमेंट फंक्शन करती है मिनिस्ट्रीज के थ्रू। तो सरकार अगर बिजनेस करना चाहती है तो तीन प्रकार से बिजनेस करती है गवर्नमेंट। बिजनेस या अपने ऑपरेशन को तीन प्रकार से करती है। एक होता है, इनको हम लोग पीएसयू भी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फॉर्म में हो सकते हैं। और ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर ये गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में हो सकता है। एक गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में हो सकता है, या तो डिपार्टमेंट होगा, या तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होगा, या तो गवर्नमेंट कंपनी होगी। जैसे हमारा आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएआई, ये सारे के सारे क्या हैं? आरबीआई, ये सब के सब, सेबी, ये सब के सब किस फॉर्म में हैं? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। ये इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, मतलब ये ऑटोनोमस होती हैं, इनका खुद का एक गवर्निंग बॉडी होता है जो कि इसको गवर्न करता है। लेकिन ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, मैं जो आपको समझा रहा हूं ये बहुत अच्छे से समझना, ये आपकी समझ के लिए बहुत जरूरी है। ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि हमारा इंस्टीट्यूट भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब का सब आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट्स आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रेलवे डिपार्टमेंट है जो कि रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आता है। वैसे ही करके हर एक डिपार्टमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। तो मिनिस्ट्री के अंडर क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स। मिनिस्ट्री के अंडर क्या होते हैं? ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। और इन मिनिस्ट्री के ही अंडर्स में क्या आते हैं? गवर्नमेंट की कंपनियां, मतलब मिनिस्ट्री होती है टॉप पे, हर एक चीज की अपनी एक टॉप में मिनिस्ट्री होती है, और उस मिनिस्ट्री के अंदर में डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होता है, गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इंडिपेंडेंट है कहने को, लेकिन आपको लगता है कि वो अपनी मन मर्जी से जो चाहे सो कर देंगे? नहीं, अल्टीमेटली उनके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? एक मिनिस्ट्री का, ठीक है। आईसीएआई, आईसीएसआई, जैसे आईसीएसआई ने एक नया सिलेबस प्रपोज किया, तो वो सिलेबस अल्टीमेटली किससे अप्रूव हुआ?
पार्लियामेंट से, ठीक है, मिनिस्ट्री का अप्रूवल उसके अंदर में जरूरत पड़ता है। तो जब भी ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव लाया जाता है तो उसका अप्रूवल होता है। सो बड़े जो भी चेंजेस हैं, बड़े बदलाव हैं, वो मिनिस्ट्री से होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि गवर्नमेंट बनी है कई ढेर सारी मिनिस्ट्रीज को मिलाकर के। गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं मिनिस्ट्रीज, और इन मिनिस्ट्रीज के अंडर में आते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जैसे हमारी रेलवे डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। और स्टैचुटरी कॉर्पोरेशंस अलग होते हैं, गवर्नमेंट की कंपनियां भी अलग होती हैं। सर, कंपनी भी किसी मिनिस्ट्री के अंडर होती है, अल्टीमेट कंट्रोल तो किसी न किसी मिनिस्ट्री का होगा ही होगा। जो ऑयल एंड पेट्रोलियम से जुड़ी हुई कंपनियां, उनको ऑयल एंड पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री जो है वो रेगुलेट करेगी, देखेगी कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से गवर्नमेंट और इनके डिपार्टमेंट्स फंक्शन करते हैं। समझ गए क्या आप लोग बात? ये बात आपको समझ में आई? चलो अब हम लोग एक एक करके इन सभी की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको समझाया जाता है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग एक रिप्लेसमेंट था फर्स्ट वाइज, यानी इससे पहले जो एग्जिस्ट करता था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का। किसका? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। पहले हमारे देश में प्लानिंग कमीशन नाम की एक बॉडी थी। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एक सेंट्रल लेवल की बॉडी थी। सर, ऐसा क्या हो गया कि इसको हटा करके नीति आयोग को लाना पड़ा? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एक यूनियन लेवल की बॉडी थी, यानी उसमें पार्टिसिपेशन केवल और केवल सेंटर का होता था, स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन जब एक नीति यानी कि एक प्लान बनाया जा रहा है तो उसको पूरे के पूरे देश में इंप्लीमेंट करना होगा, और जब पूरे देश में इंप्लीमेंट करना है तो स्टेट्स क्या नाटक करेंगे? वो कहेंगे कि भैया तुमने प्लान बनाया और हमारे स्टेट में इंप्लीमेंट कर रहे हो, हमारे बारे में जानते भी थे? ये नहीं कि वो तुम जानते हो मेरा बाप कौन है, वो वाला नहीं, तुम हमारी सिचुएशन जानते थे तो तुमने खुद से कैसे बना लिया? देयर वॉज नो पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स इन प्लानिंग। तो रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जो पहले हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स बनाया करता था, अब उसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। नीति आयोग एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत बनाए। फेडरल स्ट्रक्चर माने एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेट्स और सेंटर दोनों का इसके अंदर में पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन इसके जो चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए, इसके इतिहास के बारे में आपको समझ में आया कि क्यों नीति आयोग लाया गया? समझ में आया क्या? अच्छा, आगे समझो। इट इन्वॉल्व स्टेट एंड द शेयर्ड विजन फॉर हैविंग नेशनल डेवलपमेंट टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वेयर द पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट टू मेक प्लान्स फ्रॉम विलेज लेवल टू प्रोग्रेसिव लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। नीति आयोग गवर्नमेंट के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थिंक टैंक माने जो भी प्लान्स हैं वो कौन सोचेगा? नीति आयोग। जैसे मान लो देश में कोई दिक्कत आ गई, कोई आपदा आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, या कोई प्रॉब्लम चल रही है, या कोई नए स्कीम्स बनाने हैं, बजट बनाना है, कोई भी और चीज बनानी है, किसी चीज का सर्वे करना है, किसी चीज के बारे में कोई प्लान सोचना है, तो उन सभी चीजों के बारे में नीति आयोग प्लान्स बनाता है। तो नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाता है। क्या लॉन्ग टर्म? और जैसे ये 3 साल 5 साल के तो प्लान बनाता ही है, ये आने वाले 10 साल 20 साल की क्या नीति होगी वो भी बनाता है। तो आप कई बार सुनते होंगे साल 2030 तक ये कर लेना है, 2050 तक ये कर लेना है। ये सारे प्लान्स डेवलप करने का काम कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग इज डेवलपिंग इटसेल्फ एज अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट? स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है जो बहुत अच्छा हो, जो बहुत अच्छा, ठीक है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स मतलब एक ऐसा जो कि बहुत अच्छा रिसोर्स है। किस चीज के लिए? स्ट्रैटेजिक पॉलिसी बनाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। क्या क्या एक्टिविटीज है जिनमें नीति आयोग इन्वॉल्व होता है? डिजाइनिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फॉस्टर करना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटर करना और इवैल्यूएशन करना, एंड थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन
इसका काम करता है कौन? नीति आयोग। नीति आयोग की एक्टिविटीज को इन चार सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। बोलिए क्या ये बात क्लियर है? पॉलिसी और प्रोग्राम फ्रेमवर्क बनाना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी स्टेट्स के भी पार्टिसिपेशन को, मैंने आपको बताया कि नीति आयोग का मेन फंडा यही था, मॉनिटर करना और इवेल्युएट करना कि जो पॉलिसीज उसने बनाए उनको इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और गवर्नमेंट के एक थिंक टैंक के रूप में काम करना। क्या ये सारी बातें क्लियर थी आप लोग को? स्टूडेंट्स इन द चैट सेक्शन प्लीज रिप्लाई, क्या ये आपको क्लियर हुआ? क्या ये आपको क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट है आपका सात। सात वो सात यहां पे माने सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। इट इज सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, यानी एक ऐसा प्लान बनाना जिससे आप ह्यूमन कैपिटल को ट्रांसफॉर्म कर सको। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड स्किल ऑफ पीपल। इट फोकसेस ऑन, इसका फोकस केवल दो सेक्टर्स के ऊपर है। कौन से दो सेक्टर्स के ऊपर? हेल्थ और एजुकेशन। हालांकि इसमें और भी बहुत सी चीजें आती हैं। ह्यूमन कैपिटल में आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी आता है। ह्यूमन कैपिटल के अंदर में हेल्थ और एजुकेशन के अलावा माइग्रेशन ऑफ द पीपल भी आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आती है। लेकिन इन सारी बातों के ऊपर मैं ध्यान न दे करके सात प्रोग्राम स्पेसिफिकली दो चीजों के ऊपर मैं फोकस करता है। कौन कौन सा? हेल्थ और एजुकेशन। पूरा नाम क्या है इसका? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। हाँ, ये नीति आयोग का ही एक पार्ट हम कह सकते हैं, नीति आयोग का ही फ्रेम दे। इट हैज एन ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग थ्री रोल मॉडल स्टेट्स। इस प्रोग्राम के तहत तीन रोल मॉडल स्टेट सोचे गए जिनको कि एकदम बढ़िया से डेवलप करने का प्लान था, और उसी के हिसाब से फिर बाकी स्टेट्स को डेवलप किया जाता। हालांकि ये अभी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो नहीं पाया, पूरी तरीके से सक्सेस हो नहीं पाया। ठीक है, ये तीन रोल मॉडल स्टेट्स बनाने थे लेकिन एज सच कुछ अभी इसमें खास डेवलपमेंट नहीं हुआ, और बीच में फिर कोरोना आ गया तो वो भी डिसकंटिन्यू हो गया। तो तीन रोल मॉडल स्टेट्स जो कि बनाने थे, आपको इनका नाम याद रखना है, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इनमें प्लान क्या था पता है? इस प्रोग्राम के तहत स्कूल्स को डेवलप किया जाता था, वहां के स्कूल्स को और बेहतर बनाया जाता था, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड कराना, ये सारी की सारी चीजें प्लान किया जा रहा था। वहां पे कोशिश किया जा रहा था कि हेल्थ इंप्रूव हो लोगों की, और ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो बेसिकली दो चीजों के ऊपर में फोकस किया गया अगर हम समझाएं, एक हॉस्पिटल्स जो थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हेल्थ फैसिलिटीज उनको इंप्रूव किया गया, और दूसरा वहां का एजुकेशन। तो सरकार वो क्या करेगी उसके लिए, वहां के प्राइमरी स्कूल्स के ऊपर ध्यान दिया गया और वही सरकारी अस्पतालों के ऊपर ध्यान दिया गया। लेकिन एज आई सेड ये बहुत अधिक अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो तीन रोल मॉडल स्टेट्स जो इसमें बनाने थे वो कौन से थे? झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। इसके लिए कुछ नॉलेज पार्टनर्स को अपॉइंट किया गया जो कि इसके लिए रिसर्च करते और सलाह देते। उसमें से एक नॉलेज पार्टनर बीसीजी था और दूसरा PEFL। द प्रोग्राम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन थ्री फेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ 30 मंथ्स व्हिच विल एंड इन 2020। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द अचीवमेंट्स ऑफ सात एजुकेशन प्रोजेक्ट। इनका मेन पर्पस क्या था? इनडेप्थ डायग्नोसिस करना स्कूल का कि वो जो स्कूल चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वहां पे बढ़िया काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप बनाना। ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप बनाने का मतलब ये हुआ, ये देखना कि आज वो किस स्थिति में है और हमें उनको किस स्थिति में पहुंचाना है, कितने स्कूल्स बनाने हैं, किसमें क्या क्या हमको इंस्टॉल करना है,
और जो देखो ये भी बहुत अधिक किया जा रहा था, स्कूल्स का मर्जर सोचा गया कि अगर दो तीन चार छोटे छोटे स्कूल हैं आसपास के, तो उनको मर्ज करके एक बड़ा स्कूल बना दिया जाए और वहां पे फिर पूरा फोकस किया जाए। तो ऐसे स्कूलों का मर्जर करना, रेमेडिएशन मतलब उनको वापस से रिवाइव करना, जहां टूटे फूटे हैं या अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है, उनकी ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग करना, ये अचीवमेंट्स थे किसके साथ, एजुकेशन प्रोजेक्ट के। अगली बॉडी जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सात प्रोग्राम के बारे में आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सात प्रोग्राम के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट अगला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ही अंडर में आपका आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये सारे इंस्टीट्यूट्स इसी के अंडर आते हैं। एमसीए के अंडर में डीसीए यानी डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आता है। एमसीए के अंडर में रीजनल डायरेक्टर्स आते हैं। रीजनल डायरेक्टर कौन होते हैं? रीजनल डायरेक्टर एक पोजीशन है, हर स्टेट का अपना एक रीजनल डायरेक्टर रहता है, तो रीजनल डायरेक्टर्स आते हैं। आगे आप लोग जब कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो उसमें रीजनल डायरेक्टर्स के रोल के बारे में आप सीखेंगे, जानेंगे। और इन्हीं के अंडर में आरओसी आता है। आरओसी शब्द आपने सुना होगा पहले, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या आपको मालूम है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक पोजीशन है, जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक पोजीशन होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी भी एक पोजीशन। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी भी किसके अंदर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आते हैं। इसी का एक जुडिशियल विंग भी है, इसी का एक जुडिशियल विंग भी है, और जुडिशियल विंग के अंदर में इसमें आते हैं एनसीएलटी और एनसीएलएटी। एनसीएलटी और एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। मतलब सर ये सारी के सारी बॉडीज क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आ रही हैं? जी हां, ये सारी की सारी बॉडीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बोली समझ गए क्या बात? क्लियर है क्या ये बात? चलो देखो कौन कौन से एक्ट्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्न करता है। द एक्ट्स गवर्न्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आर, The acts governed by Ministry of Corporate Affairs are कौन कौन से? Companies Act 2013, Companies Act 1956, LLP Act 2008 और Competition Act 2002। ठीक है, ये सारे के सारे acts कौन govern करता है? Ministry of Corporate Affairs। ठीक है, यानी एक तरीके से सुना बात को, ध्यान से सुनो मेरी बात को। LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनीज दोनों को ही कौन गवर्न करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यही नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर अ मैटर ऑफ स्टेट अफेयर, नॉट एग्जैक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बट कंपनीज और LLPs दोनों को ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्न करता है। ठीक है, It also acts as the supervisory body for ICAI, ICSI और ICAI। ये partnership act से जुड़ा हुआ, companies act से जुड़ा हुआ और societies registration act से जुड़े हुए भी सारे के सारे काम करता है। किस किस से जुड़ा हुआ बताइए? Partnership act, companies act और societies registration act। ठीक है, चलो आगे सुनो। एमसीए के अंडर में कुछ ऑफिसेज आते हैं, उसी में एक ऑफिस आता है आपका SFIU। कौन सा बताइए? जैसे आप लोगों ने सुना होगा CBI, ठीक है, तो वो एक क्राइम ब्रांच हो गया। ठीक है, आप लोग कभी कभी सुनते होंगे ईडी के बारे में।
ईडीज इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो कि रेवेन्यू की चोरी से जुड़े हुए, टैक्स की चोरी से जुड़े हुए केसेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है, वैसे ही कंपनी लॉ से जुड़ा हुआ अगर कोई फ्रॉड है, अगर कंपनी लॉ से जुड़ा हुआ कोई फ्रॉड है उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? SFIU. तो अगर कोई कॉर्पोरेट फ्रॉड हो जाए, कॉर्पोरेट फ्रॉड होता है ना, क्या रे पैसा इकट्ठा कर लिया भाग गया, या पैसा इकट्ठा करके फिर उसको रिपे नहीं कर रहा है, पैसा इकट्ठा करके गलत इस्तेमाल कर रहा है, शेयर्स के प्राइसेस में अनफेयर फ्लक्चुएशन कर रहा है, तो इन सबको क्या कह सकते हैं? कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। तो अगर कोई कॉर्पोरेट फ्रॉड है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है SFIU। पूरा नाम बताइएगा SFIU का, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। अगला बॉडी है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या कभी आप लोगों ने यह नहीं सोचा कि मान लो अगर मार्केट में दो प्लेयर्स, या जियो है, मान लो जियो आने से सारे टेलीकॉम प्लेयर्स को नुकसान हो रहा है, तो बाकी सारे के सारे एक हो जाए, एक कंपनी बना दे और फिर जियो के खिलाफ लड़े, या मान लो सारी कंपनियां अगर एक हो गई, हाँ, तो मोनोपोली बन जाए तो भी दिक्कत है कि नहीं है? तो आपको मालूम है इस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे मान लो बाजार में तीन बड़े सेलर है, तीनों बड़े सेलर एक साथ मिल गए, जैसे ओपेक, तुमने नाम सुना होगा, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उन्होंने एक मिल करके एक अपना ग्रुप बना लिया ओपेक। तो इस तरीके से अगर हमारे यहां के बड़े बड़े सेलर्स, हमारे यहां के बड़े बड़े फर्म्स अगर मिल करके एक कंपनी बना ले, तो छोटे सेलर्स के ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि नहीं? जैसे मान लो तुम तीन बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हो, मेरा सिनेमा हॉल है, तुमने मिलकर के ग्रुप बना लिया, तुमने कहा कि देखिए हम तीन चार प्रोड्यूसर हैं, हमारा ये ग्रुप है, हमारी ही फिल्में तुम्हारे सिनेमा हॉल में लगेंगी, कोई छोटा प्रोड्यूसर आया उसका फिल्म नहीं लगाने तुमको अपने सिनेमा हॉल में, हम क्या करेंगे? किसी और की फिल्म साल में एक बार दो बार आएगी, तुम्हारी फिल्म हर महीने आती है, तो हमको तो तुम्हारी बात माननी पड़ सकती है। लेकिन ये गलत किया तुमने कि नहीं किया? ऐसे तो छोटा प्रोड्यूसर बेचारा दब जाएगा, वो तो अपना काम ही नहीं कर पाएगा, बोलो है कि नहीं? तो इस प्रकार से कंपटीशन को खत्म किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? लेकिन जब भी तुम लोग इस प्रकार की ग्रुपिंग बनाओगे ना, तो जानते हो कौन आ जाएगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर में बनाया गया, और कहा गया कि ये इंश्योर करेगा कि आप कभी भी कंपटीशन को हैम्पर ना करें, उसको अफेक्ट ना करें, कोई भी ऐसा आपस में मेलजोल ना बैठाएं जिससे कि कंपटीशन हैम्पर हो। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? ऐसे प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना जिससे कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट जाए, प्रमोट करना और सस्टेन करना कंपटीशन इन द मार्केट, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, और इंश्योर करना फ्रीडम ऑफ ट्रेड। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करता है किसको? कंपटीशन एक्ट 2002, और इसने रिप्लेस कर दिया किसको? MRTP एक्ट 1969। यानी कंपटीशन एक्ट 2002 से पहले क्या था? MRTP एक्ट 1969, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। लेकिन मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट की पता दिक्कत क्या थी? ये बहुत ज्यादा ही रोक टोक लगाता था। अब मान लो कोई बिजनेस बड़ा बन रहा है तो बड़ा बनने दो ना, बड़े बिजनेस से ऐतराज नहीं है, ऐतराज तब है जब तुम कंपटीशन को हैम्पर करो, जब लोगों को दिक्कत पहुंचाओ। तुम तीन चार लोग मिलकर बिजनेस करो उससे भी हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे मिलकर बिजनेस करने से किसी कंज्यूमर को नुकसान पहुंच रहा है, कॉम्पिटिशन को नुकसान पहुंच रहा है, तुम लोग मिलकर के किसी नए को आने से रोक रहे हो, तो फिर उससे हमको दिक्कत होगी, ठीक है? अदरवाइज मिलजोल बना के रहो, हमको क्या दिक्कत है? लेकिन तुम अगर किसी नए को आने से रोक रहे हो तो फिर उससे हमको दिक्कत होगी। तो इसलिए MRTP एक्ट जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाता था, इसको हटा करके नया एक्ट बनाया गया जिसका नाम था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ये था हमारा क्या? CCL। अगला MCA के अंडर की सारी ऑफिस की बात हो रही है, अगला ऑफिस कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करता है? जैसे समझो हर चीज का अपने ट्रेनिंग अकेडमी होती है ना, वैसे ही MCA के अंडर की मान लो ये ट्रेनिंग अकेडमी है। तो
एमसीए ने इसको बनाया था ताकि वो कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग दे सके। तो एमसीए के अंडर में जो भी लोग जाते हैं उनकी ट्रेनिंग, उनको सिखाने पढ़ाने का काम किसका है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का। इसी का एक पार्ट है, बताओ इसका नाम क्या है? आईसीएलएस अकेडमी। आईसीएलएस का मतलब पूरा नाम क्या हुआ? इंडियन कंपनी लॉ सर्विस। तो आईसीएलएस अकेडमी रिस्पॉन्सिबल है इंडक्शन। इंडक्शन माने जब कोई ट्रेन, जब कोई इंप्लॉय पहली बार ज्वाइन करता है तो उसको हम लोग इंडक्ट करते हैं, यानी सबसे जान पहचान कराते हैं। तो उसकी इंडक्शन और ट्रेनिंग का जिम्मेदारी किसका होता है? आईसीए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और इसके अंदर में वो अकेडमी कौन सी है? आईसीएलएस अकेडमी। बोलो समझ गए क्या? कम ऑन स्टूडेंट्स इन द चैट सेक्शन, गिव मी अ यस अगर यहां तक आया तो। इसके बाद हम लोग सेबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, सो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? एमसी। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको पता है इसकी भी कहानी बड़ी मजेदार है। सेबी आने से पहले भी एक बॉडी थी जिसका नाम था बीएसई, नहीं, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल मार्केट्स। तो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली एक बॉडी बनाई गई थी। कैपिटल मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी, लेकिन आपको पता है दिक्कत यह हो रही थी कि उस बॉडी के हाथ में उतनी पावर्स नहीं थी। सो एक बहुत पावरफुल बॉडी की जरूरत थी। हर्षद मेहता स्कैम उस समय आया था, और हर्षद मेहता स्कैम आने के बाद ऑलरेडी हमारी मिनिस्ट्री हिली हुई थी, ठीक है, पूरा पार्लियामेंट हिला हुआ था। तो उस स्कैम के डर से और उसके बाद और भी तमाम हो रहे फ्रॉड्स के डर से एक बहुत पावरफुल बॉडी, आप लोग सेबी का नाम सुनते होंगे तो हमेशा बहुत पावरफुल रूप में सुनते होंगे कि हाँ सेबी इज अ पावरफुल बॉडी। तो सेबी जैसी एक पावरफुल बॉडी बनाने की जरूरत थी। अब सेबी को अगर हम लोग पूरी तरीके से सरकार के अंडर में रखते तो भी वहां पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता। अब जैसे मान लो कि बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, अब वो बिजनेसमैन अगर सरकारी तख्ते में भी अगर पावर रखता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रखता है, तो वो सेबी को भी इन्फ्लुएंस करता। तो समझो हर एक बॉडी का ना अपना एक इतिहास होता है जो कि बहुत मजेदार है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सेबी के पीछे का बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, जिसमें हमारा कंट्रोलर ऑफ कैपिटल मार्केट था विच वॉज नॉट वेरी पावरफुल बॉडी, और हमें एक ऐसी बॉडी की जरूरत थी जो बहुत पावरफुल हो, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर में सरकार का बहुत ज्यादा दखल अंदाजी ना हो। तो इसीलिए सेबी एक्ट पास किया गया। सेबी एक्ट पास किया गया साल 1992 में, और इस एक्ट के तहत आपका सेबी वाली बॉडी एस्टैब्लिश किया गया। सेबी की बॉडी एस्टैब्लिश किया गया फ्रॉम या अंडर सेबी एक्ट 1992, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द इंडियन कैपिटल मार्केट्स। कुछ जगहों पे आप इसके अलावा भी और अलग अलग भी डेट्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट देखते होंगे, बट प्रॉपरली एज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इट केम इन टू फोर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट। हो सकता है कुछ जगहों पे आप 1991 की डेट देखें, कुछ जगहों पे आप 1990 की डेट देखें, लेकिन आपको जो डेट याद रखनी है वो आपको अप्रैल 12 1992 की रखनी है, कि इस दिन से ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के रूप में स्टैब्लिश हुआ। हालांकि मैंने आपको बताया कि सेबी की बॉडी उससे पहले की ही बनी हुई है, जिसका नाम एक तरीके से एक कंट्रोलर ऑफ कैपिटल मार्केट के रूप में। इसका काम क्या था? इंडियन कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करना। कैपिटल मार्केट जानते हो क्या होता है? जहां पे हमारे सिक्योरिटीज, जहां पे हमारे शेयर्स बाय एंड सेल किए जाते हैं, ठीक है, यहीं पे हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स भी होते हैं, यानी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो स्टॉक एक्सचेंज भी किसके अंडर आता है? सेबी के अंडर। जो नए शेयर्स इश्यू किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उन शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है जो कि ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं। जो प्राइमरी इश्यू होता है जिसको हम लोग आईपीओ कहते हैं, वो आईपीओ भी सेबी के थ्रू रेगुलेट होता है। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट, चाहे वो बॉन्ड का मार्केट हो, चाहे वो आपका नए इक्विटी शेयर्स का मार्केट हो, सबका सब रेगुलेट कौन करता है? सेबी। ये फाउंड किया गया 12 अप्रैल 1992 में सेबी एक्ट के अंडर में। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसके रीजनल ऑफिसेस न्यू दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में। जो सेबी का प्रियम्बल है उसमें ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं सेबी के। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सेबी के?
टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, ये पहला इसका ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल में लिखा हुआ कि इसको जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी सेबी सरकार के लिए नहीं सोचेगा, कंपनी के लिए नहीं सोचेगी, सेबी किसकी है, इन्वेस्टर्स की। टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज, मार्कर लिखा हुआ मार्केट होगा। फिर इसके बाद हमें सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना है, उसको प्रमोट करना है, यह भी देखना है कि सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करना सुरक्षित हो और ट्रांसपेरेंसी रहे वहां पे, ट्रांसपेरेंसी रहे मतलब कुछ भी छुपा हुआ ना रहे, ठीक है। एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, यानी उससे जुड़े हुए और भी जो मैटर्स हैं। तो जैसे मान लो अगर कोई कंपनी, सुनना बात को, अगर एक कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाना चाहती है, लिस्टेड बनना चाहती है, मतलब उसके शेयर भी स्टॉक एक्सचेंज पे बिकेंगे, तो अगर कोई कंपनी लिस्टेड बनना चाहती है तो उसे सेबी के नियम कायदों को फॉलो करना पड़ता है। सो ये सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने का काम किसका है, सेबी का। सेबी इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज के लिए काम करती है, यानी वो देखती है कि जो भी आईपीओ या एफपीओ आ रहा है, आईपीओ माने इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ माने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी ये कंपनी अगर पहली बार अपने इन्वेस्टर से पैसा उठा रही है, पब्लिक से पैसा उठा रही है, तो उसे कहते हैं आईपीओ, और अगर दूसरी बार तीसरी बार पैसा उठा रही है तो एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, यानी सेबी हमारे इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, देखता है कि उनके साथ धोखेबाजी ना हो जाए, जैसे सहारा केस, ठीक है, जैसे बहुत ढेर सारे और भी केसेस हैं। आपने इसके अंदर में भी एक केस के बारे में पढ़ा होगा, जैसे आप लोगों ने स्पीक एशिया नाम का एक कभी एक केस सुना होगा, इसी प्रकार से एक बहुत एक फेमस केस था, ठीक है, उसका नाम हम जस्ट स्किप कर रहे हैं, जिसके बारे में यहां पे भी आपको दिया हुआ था। तो ऐसी बहुत सी फ्रॉड कंपनीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं किसी स्कीम के नाम पर। जैसे मान लो अभी इनके साथ में भी हुआ था, जो एक रियल एस्टेट कंपनी थी और वो पैसा चुका नहीं पाई थी या वो डिफॉल्ट कर गई थी। तो ऐसी कंपनियां जो कि अच्छे से काम नहीं कर रही हैं या वो धोखा दे रही हैं अपने इन्वेस्टर्स को, इन सब के लिए प्रोटेक्शन करना, नियम कायदा बनाना, ये काम किसका है, सेबी का। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का मतलब जो इनके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, जैसे हम लोग किन से डील करते हैं, जब हम लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग ब्रोकर से जरूरत एक काम करते हैं, इन शेयर्स को स्टोर करने के लिए डिपॉजिटरीज होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो इन सभी से जुड़े हुए जो भी नियम कायदे हैं, ब्रोकरेज का नियम कायदा, स्टॉक एक्सचेंज का नियम कायदा, डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का नियम कायदा, एजेंट्स का नियम कायदा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, इनसे जुड़े हुए नियम कायदे, ये सारे के सारे नियम कायदे कौन देखेगा, सेबी। यानी ये देखेगा, मान लो रूल तो बना लेगा सरकार, लेकिन सेबी ओवरव्यू देखेगा कि ये सारे इनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और बहुत से केसेस में रूल्स भी कौन बनाता है, सेबी बनाता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर कोई कंपनी शेयर इश्यू कर रही है तो उससे जुड़ा हुआ नियम किसने बनाया है, सेबी ने। चलो आगे सुनो, सेबी एक क्वासी जुडिशियल, क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। बोलिए क्या, क्वासी जुडिशियल, पढ़ो, क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी एग्जीक्यूटिव। क्वासी माने पार्टली, ये पार्टली जुडिशियल है। सेबी खून हो गया तो क्या सेबी के पास चले जाएंगे, कंपनी में खून हुआ सेबी के पास लेके चलो, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खून हुआ सेबी, नहीं, पार्टली जुडिशियल। ये कुछ स्पेसिफिक केसेस की ही हियरिंग करता है। जैसे अगर मान लो शेयर से जुड़ी हुई कोई धोखाधड़ी है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में कोई धोखाधड़ी किया गया, तुमने शेयर बेचा, लेकिन वही है कि जो शेयर तुमने बेचा वो डुप्लीकेट शेयर था, एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में झूठ लिख दिया कि हम आपके पैसे को 7 दिन में डबल कर देंगे, 10 दिन में डबल होता है, तो ये सारी केसेस की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, सेबी। हाँ, पीएसीएल केस, सेबी पीएसीएल केस, ठीक है। इस केस के अंदर में यही था कि एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा किया गया ये बोल करके कि हम आपके पैसे को रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट बहुत बूम पे था, हमेशा ही रहता है,
ठीक है, बीच में हालांकि डाउनफॉल भी आया, तो ये कहते थे कि हम आपके पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा रिटर्न देंगे। तो शुरुआत में कुछ समय तक इन्होंने रिटर्न दिया और बाद में ये पैसा लेते गए, भाई तुम्हारे जैसे इन्वेस्टर्स उनको लगा रहे पैसा तो सच में मिल रहा है। तो जब पैसा मिलता गया तो लोगों ने इसमें भर भर के पैसा लगाया, और जब बहुत सारा पैसा ले लिया गया फिर हाँ ठीक। तो ये था सेबी पीएसीएल केस। फिर क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव माने जो लॉ बनाए, तो बताइए एलओडीआर इसने रेगुलेशन बनाया, एलओडीआर माने लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, बोलो क्या, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। आप सीएस के एग्जीक्यूटिव स्टेज में पढ़ते हैं कि ये लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो एलओडीआर रेगुलेशंस बनाए गए। क्वासी एग्जीक्यूटिव, सेबी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट एनीवन हु वायलेटेड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसने भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया है उसके अगेंस्ट में सेबी एक केस फाइल कर सकता है, और वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो तीन चीजें हैं इसके पास, जुडिशियल पावर्स, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। अगला है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए हमारे यहां की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो हमारे यहां की मॉनेटरी पॉलिसी है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी माने कितना मनी फ्लो रहेगा, मनी सप्लाई रहेगा, उस मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी पहले से ही बन गया था, आजादी के पहले से, 1 अप्रैल 1935 को, अंडर द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। लेकिन सर हम लोग तो 1949 की डेट पढ़ते हैं, 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था, 1949 में क्या पास किया गया था, और उसके तहत जो है आरबीआई को भी नेशनलाइज कर दिया गया था। कहा गया कि आरबीआई को हम किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में या कुछ और चुनिंदा लोगों के हाथ में नहीं रहने दे सकते, आरबीआई वॉज फुली नेशनलाइज्ड। तो आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया, 1949। लेकिन आरबीआई इस्टैब्लिश कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में, अंडर आरबीआई एक्ट 1934। इसका ऑफिस भी कहां पे है, मुंबई। आरबीआई के प्रियम्बल के अकॉर्डिंग इसके चार मेन फंक्शंस हैं, बैंक नोट इश्यू करना, रिजर्व रखना फॉर मॉनेटरी स्टेबिलिटी। आपने सुना होगा कि आरबीआई सीआरआर, एसएलआर ये सब मेंटेन करता है, आरबीआई सीआरआर मेनली मेंटेन करता है, ये करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करता है, यानी कितने करेंसी इश्यू करना है, किस कौन कौन सी करेंसी रहेंगी, 5 की 10 की 20 की 50 100, ये सबको रेगुलेट करना, मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कितना मनी सप्लाई रहेगा। जैसे तुम लोग सुन रहे होगे कि इधर बीच महंगाई काफी ज्यादा आई, तो महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया। ठीक है, तुम लोगों ने नहीं भी सुना होगा तो भी चलेगा, कम से कम रिएक्ट कर सकते हो ऐसा कि हाँ सुने, रिएक्शन दे सकते हो। हाँ रिएक्शन, हाँ 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 सर, वो याद आया याद आया, वो 4 दिन पहले ही तो आया था, हम कहेंगे नहीं, एक महीने पहले आया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, जिसके अंदर में वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको कंट्रोल करता है। आरबीआई की मेन फंक्शंस क्या है, वो एक मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पे काम करता है। तो आरबीआई का मेन काम क्या है, मनी की पॉलिसी बनाना। सारे बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मेंटेन करता है, और करेंसी इश्यू करने का काम भी किसका है, आरबीआई का। हमारे देश में ऑल करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, ऑल करेंसी नोट्स आर इश्यूड बाय आरबीआई एक्सेप्ट रुपी वन नोट। 1 रुपए का नोट कौन इश्यू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जितने भी नोट्स, जितने भी कॉइन्स हैं, सुनो मेरी बात, जितने भी कॉइन्स हैं और 1 रुपए का नोट, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इश्यू करता है। ठीक है, हाँ
नेक्स्ट, इट परफॉर्म्स वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंट रोल्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट. ये रेगुलेट करता और सुपरवाइज करता है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को. जैसे हमारे देश में अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है, सुनो मेरी बात, अगर स्टेट बैंक की एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अगर पैसा ट्रांसफर करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर स्टेट बैंक से पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर करना है तो दिक्कत है. यानी आपको उसके लिए कोई चैनल चाहिए. तो सारे बैंकों को जोड़ने का काम एक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है, और ये सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम कौन मेंटेन करता है? आरबीआई. तो सारे बैंकों के खाते किसके पास है? आरबीआई के. तो आरबीआई एक तरीके से इंटर बैंक ट्रांजेक्शन को सेटल करता है. इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन को सेटल करने का काम किसका हुआ? आरबीआई. ये बैंकर टू बैंक भी है और बैंकर टू गवर्नमेंट भी. यानी सारे बैंकों का खाता किसके पास? आरबीआई के पास. और अगर सरकार के भी खाते की बात करें तो गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड्स कौन मेंटेन करता है? अगर अगर ट्रेजरी बिल वगैरह इश्यू किया गया है तो उसका पैसा आरबीआई के अकाउंट में जाता है. यानी आरबीआई मेंटेन्स द गवर्नमेंट अकाउंट. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन मेंटेन करेगा? आरबीआई मेंटेन करेगा. आरबीआई के इन टोटल 27 रीजनल ऑफिसेस हैं, 4 सब ऑफिसेस हैं. ये कुछ आरबीआई के फुली ओन सब्सिडरीज हैं. आपको इनका नाम याद रखना होगा. इनका नाम इसलिए याद रखना होगा क्योंकि आपको ऑप्शन में दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें से कौन सी आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है. तो आरबीआई की 4 फुली ओन सब्सिडरीज, हालांकि और भी हैं लेकिन 4 फुली ओन सब्सिडरीज के बारे में बताया गया है. एक है डीआईसीजीसी जिसका नाम पूरा हुआ डायरेक्ट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. फिर इसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज. ये 4 फुली ओन सब्सिडरीज हैं आरबीआई. इसके बाद आईबीबीआई, एनसीएलटी और एनसीएलएटी. आईबीबीआई के बारे में सुनना. आईबीबीआई इज इंसॉल्वेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो. आईबीबीआई इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. बोलिए क्या? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. हमारे यहां पर एक कोड आया था जिसका नाम था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. देखो जब एक कंपनी इंसॉल्वेंट होती है मतलब वो अपने लायबिलिटीज को पूरी तरह से चुका नहीं पा रही. अब तुमको मालूम है इस मौके पे क्या होता है? सुनना ध्यान से. कंपनी अपने आप को जल्दी जल्दी बंद करके खत्म करना चाहती. कंपनी किसकी है भाई? उसके ओनर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर. तो वो जल्दी जल्दी बवाल खत्म करना चाहिए. उसकी घर से तो पैसा जा नहीं रहा, लिमिटेड लायबिलिटी है. तो वो चाहते हैं जल्दी जल्दी बंद कर दें और क्रिएटर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल दें. तो इन्हीं सब मामलों में कई बार केस बहुत लंबा खिंच जाता है. तो जो इंसॉल्वेंसी का जो पूरा का पूरा मैटर है ना, बहुत लंबा खिंच जाता है. अब तुम्हारा पैसा बकाया है, इतना लंबा केस खिंच गया कि तुमको लगता है कि अरे पैसा ही छोड़ दे, अब उस पैसे को, पैसे भी तो बर्बाद हो रहा है. तो अब आप समझो, ध्यान से सुनो. इन केसेस के फास्टर रिजोल्यूशन के लिए, इंसॉल्वेंसी के केसेस के फास्टर रिजोल्यूशन के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया. और इस कोड के तहत एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. तो आईबीबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016 अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016. ये ही देखेगा कि आईबीसी को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और उससे जुड़े हुए लॉस को अमेंड करना, रीऑर्गेनाइज करना, इंसॉल्वेंसी को एक तरीके से रेगुलेट करने का काम, ये चेक करने का काम किससे जुड़े हुए लॉस सही हैं या नहीं है, या उनमें बदलाव लेकर के आने का काम कौन करेगा. जैसे हमने आपको बताया सिक्योरिटीज लॉ से जुड़े हुए मामलों को कौन देखता है, सेबी. वैसे ही करके एक तरीके से इंसॉल्वेंसी से जुड़े हुए लॉस के लिए इन्होंने बॉडी बना दिया क्या? आईबीबीआई. अच्छा, इसका एक जैसे आईसीएसआई के रेफरेंस बताते हैं, हम आईसीआई के बारे में नहीं बता रहे, आईसीएसआई के बारे में सुनो, अच्छा लगेगा. आईसीएसआई सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बनाता है, ठीक है? क्या बनाता है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, जो कि एक कंपनी सेक्रेटरी को फॉलो करना होता है अपनी ऑडिट करने के दौरान.
तो ऐसे वो बहुत से रूल्स रेगुलेशन बनाता है और आईसीएसआई एग्जाम भी लेता है। तो आईबीबीआई भी एक यूनिक रेगुलेटर है, आईसीएआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बनाता है और फिर वही सीए को रेगुलेट भी करता है। तो आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी का नियम कायदा भी बनाता है, प्रोसेस भी बनाता है और उसके प्रोफेशन को भी रेगुलेट करता है। सब प्रोफेशन, इंसॉल्वेंसी का प्रोफेशन भी होता है क्या? हाँ, इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स होते हैं। कौन होते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर, जो कि एक सीए सीएस सीएमए यानी कॉस्ट अकाउंटेंट या इवन एक एडवोकेट बन सकता है। तो ये इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स होते हैं। इन इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स के लिए एक अलग से एग्जामिनेशन होता है जिसका पूरा करिकुलम और एग्जामिनेशन कौन रेगुलेट करता है? आईबीबीआई। तो आईबीबीआई प्रोफेशन को भी रेगुलेट करता है और प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है, इसलिए एक यूनिक रेगुलेटर है। इट हैज द टास्क ऑफ रेगुलेटिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स इन इंडिया। इट हैज ऑल्सो द अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूअर्स प्रोफेशन, यानी जो वैल्यूअर्स का प्रोफेशन है, वैल्यूअर मतलब जो आपको वैल्यूएशन करके बताएंगे, जैसे मान लो इंश्योरेंस कंपनीज में वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, तो वैल्यूअर्स के प्रोफेशन को भी कौन रेगुलेट करेगा? आईबीबीआई। आईबीबीआई कब बनाया गया? आईबीसी के अंडर में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर में, ऑन 1st of October 2016। समझ में आया कि नहीं आया? ये यूनिक रेगुलेटर क्यों है? क्योंकि यह प्रोफेशन और प्रोसेस दोनों को ही रेगुलेट करता है। समझ में आया क्या? मोबाइल लाइव वालों, कम ऑन। अब देखो लास्ट के दो हिस्से सबसे जरूरी, एनसीएलटी और एनसीएलएटी। कंपनी लॉ से जुड़े हुए केसेस किसके पास जाते हैं? एनसीएलटी के पास। देखो पहले क्या होता था, एक बॉडी होती थी कंपनी लॉ बोर्ड। कौन होता था? कंपनी लॉ बोर्ड। सुनो, एक समय की बात, मैटर जाता था सीएलबी के पास, सीएलबी से ना होता था तो हाईकोर्ट के पास, हाईकोर्ट से ना होता था तो सुप्रीम, खत्म कहानी। आज मैटर जाता है एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी से ना हो तो एनसीएलएटी के पास, एनसीएलएटी से ना हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास, हाईकोर्ट का चक्कर खत्म। ठीक, लेकिन यहां पे केवल केसेस रिलेटिंग टू क्वेश्चन ऑफ लॉ जाते हैं कि कभी लॉ नहीं समझ में आया। मैंने आपको पहले लॉ में भी सिखाया था कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं जाता है, तुमने किया या नहीं किया ये नहीं जाएगा, वो करना सही था या गलत था ये जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पे कौन सा क्वेश्चन जाता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ। लॉ क्या कहता है इसके बारे में ये नहीं पढ़ पा रहे, समझ नहीं पा रहे लॉ को, तो लॉ को कौन समझाएगा तुमको? सुप्रीम कोर्ट। तो कंपनी लॉ से जुड़े हुए केसेस किसके पास जाते हैं? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ। देखो जो ट्रिब्यूनल होती है एक स्पेशल कोर्ट होता है, यानी ये केवल कुछ स्पेसिफिक केसेस की हियरिंग करता है, तो ये सारे केसेस की हियरिंग नहीं करेगा। समझ गए बात को? तो एनसीएलटी की कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी अंडर सेक्शन 408 15 जून 2016। इसका एक प्रिंसिपल बेंच है और 10 ब्रांचेस हैं, जिनके अंदर में एक प्रेसिडेंट होता है और 16 जुडिशियल और नॉन टेक्निकल मेंबर होते हैं। जुडिशियल मतलब जो जुडिशियरी की जानकारी रखते हो, टेक्निकल मतलब जो किसी स्पेसिफिक फील्ड की अच्छी जानकारी रखते हो। यह आपसे सबसे पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा सवाल यही है, एनसीएलटी कौन से कमिटी का आउटकम है? इट इज द आउटकम ऑफ हेरेडिटी कमिटी। एनसीएलटी एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, सारे जजमेंट नहीं सुनाएगा, खून खराबे का नहीं सुनाएगा, केवल कौन से केसेस का सुनाएगा? हाँ, कंपनी लॉ से जुड़े हुए केसेस। ये सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स की हेयरिंग करता है, खास करके वो जो कि कंपनीज एक्ट से जुड़े हुए। ये केसेस की हेयरिंग क्या, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अलग अलग कोड होते हैं, ये सारे कोड इन पे अप्लाई नहीं करते, ये कोड्स नहीं अप्लाई करते, ये नेचुरल जस्टिस देखेगा। वो ये देखेगा क्या सही है क्या गलत है मेरे नजरिए में। हमारे ऊपर कोर्ट कानून वाले नियम कायदे सारे के सारे फॉलो नहीं होते, लेकिन नेचुरल जस्टिस के हिसाब से हम अपना नियम कायदा सुनाते हैं। मेरे हिसाब से जो सही है, जो न्याय है, उसके हिसाब से हम अपना डिसीजन देंगे। ठीक है, क्या फंक्शंस है? अगर अगर कंपनी के रजिस्ट्रेशन में तुमने धोखाधड़ी किया,
तो तुम्हारे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कौन करेगा? रजिस्टर नहीं करेगा, रजिस्टर कौन करेगा? आरओसी। कैंसिल कौन करेगा? अगर तुम्हारे शेयर ट्रांसफर में कोई ग्रीवांस है, तुमने शेयर ट्रांसफर किया था अभी तक हुआ नहीं, या किसी और को हो गया, या कंपनी कुछ गलत कर रही है, तो उससे जुड़ी हुई भी हियरिंग कौन करेगा? और डिपॉजिट्स वगैरह से जुड़े हुए केसेस की हियरिंग भी एनसीएलटी करता है। इन्वेस्टिगेशन करने की पावर, अगर जैसे कभी कभी लगता, मान लो ढेर सारे मेंबर्स है, तुम लोग को लगता है कि तुम्हारी कंपनी में धोखाधड़ी हो रही है, लेकिन तुम लोग छोटे शेयर होल्डर हो, तुम लोग के पास 4, 5, 10 शेयर है, तुम्हारी कंपनी में धोखाधड़ी हो गया, तो क्या कर लोगे? वहां पे जाके मारपीट करोगे? नहीं। क्या करोगे? एनसीएलटी में कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन उसमें कम से कम कितने मेंबर्स की एप्लीकेशन होनी चाहिए? 100। तो एनसीएलटी जाके क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन। और एनसीएलटी क्या कर सकता है? तुम्हारे असेट्स को फ्रीज कर देगा, ठीक है, ताकि तुम उसका गलत इस्तेमाल करके ऐसा ना हो बेच के भाग गए। पहले एनसीएलटी था, तो एनसीएलटी ने पता है, सुनो ध्यान से, कंपनी लॉ बोर्ड और बीआईएफआर दोनों को रिप्लेस किया था। बीआईएफआर हम इसको सिक इंडस्ट्रीज का डॉक्टर कहते थे, इसका पूरा नाम हो गया बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। पहले कोई इंडस्ट्री अगर बीमार हो जाए, लॉस मेकिंग है, तो उस लॉस मेकिंग इंडस्ट्री को बंद करने का काम या उसको रिवाइव करने का काम कौन करता था? बीआईएफआर। अब इनको भी बंद करके ये सारे काम धाम किसको दे दिया गया? एनसीएलटी। अब अगर एनसीएलटी को लगता है कि तुम्हारी कंपनी काम धंधा नहीं कर रही है, ये बेकार है, बीमार हो चुकी है, लॉस मेकिंग है, तो उसको रिवाइव करने का काम कौन करेगा? एनसीएलटी करेगा। अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलना चाहते हो, तो भी तुमको जाके किससे पूछना पड़ेगा? एनसीएलटी। अच्छा, एनसीएलटी के खिलाफ अगर अपील करना है तो किसके पास जाओगे? एनसीएलएटी के पास। लेकिन याद रखने वाली बात, एटी माने अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपील करने के लिए। एनसीएलएटी के पास डायरेक्ट पहुंच सकते हैं क्या? नहीं। केवल अगर अपील करना होगा तो किसके पास जाएंगे? एनसीएलएटी के पास। और एनसीएलएटी के खिलाफ अपील करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट। याद रखने वाली बात, सुन लो ध्यान से, डोंट वेस्ट योर टाइम, सुनो मेरी बात, 45 डेज के अंदर में जाना पड़ेगा तुमको। एनसीएलटी का जब डिसीजन आया, एनसीएलएटी के पास जाने के लिए तुम्हारे पास केवल कितने दिन है? और एक और बात सुनो, ये सारे ट्रिब्यूनल क्यों बनाए जाते हैं? ताकि तुम्हारा केस जल्दी जल्दी रिजोल्व हो या समय लगे? जल्दी जल्दी। तो इनको समयबद्ध कर दिया जाता है, टाइम बाउंड कर दिया जाता है, इनको अपने केसेस का डिसीजन 6 महीने के अंदर अंदर सुनाना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ हियरिंग मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 6 months। समझ गए बात को? और इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 11 से ज्यादा लोग नहीं होते। ये चाहे तो एनसीएलटी के ऑर्डर को चेंज कर सकता है या कंफर्म, वो कह सकता है कि सही है, एनसीएलटी ने जो कहा सही है, या चाहे तो उसको पलट भी सकता है, ठीक है। अच्छा, मजेदार बात सुनना, ये भी तुमसे पूछा गया, एनसीएलटी के पास क्या सिर्फ एनसीएलटी का केस जाता है? नहीं, आईबीबीआई ने इंसॉल्वेंसी से जुड़ा हुआ अगर कोई मामले का डिसीजन लिया है, तो इसके लिए अलग बॉडी नहीं बनाई। इसके खिलाफ अपील करना है तो अलग जाओ, इसके खिलाफ कहा कि एनसीएलटी, आईबीबीआई और सीसीआई, सीसीआई माने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तीनों की अपील करने की बॉडी एक ही होगी। कौन? एनसीएलएटी। इसको भी वही कंपनीज एक्ट 2013 के तहत 1 जून 2016 से बनाया गया। यह था आपका चैप्टर कौन सा? की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का। और इसी के साथ हमारा की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस चैप्टर का फुल टू रिविजन खत्म। SFIO वो फ्रॉड्स वगैरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए तो एक स्पेसिफिक बॉडी थी, ठीक है, और SFIO बहुत पहले की बॉडी है, बाद में जाकर के एनसीएलटी वगैरह आया, ठीक है। एक इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी अलग है और एक जजमेंट की बॉडी अलग है। हाँ, और इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है, जजमेंट की बॉडी नहीं है, जजमेंट एनसीएलटी। ओके, एमसीक्यूज को जरूर से सॉल्व करिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त। एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, आई होप दिस वॉज क्लियर।